भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण करके कैलाश में निवास प्रारंभ किया। माता शक्ति ने दक्ष पुत्री सती के रूप में अवतार धारण किया तथा शिव संगिनी बनकर कैलाश में पदार्पण किया। अनेक लीलाओं के उपरांत शिव संगिनी सती की 27 बहनों का विवाह अत्रि अनसूया पुत्र चंद्र से हुआ। चंद्र अपनी प्रियतमा रोहिणी के मोह जाल में फंसकर दक्ष शाप से पीड़ित होकर रोगी बना एवं शिव की आराधना से पुनः स्वस्थ हुआ। इसी प्रसंग में भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तत्पश्चात शिव के अपमान से दुखी सती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह करके सतीत्व का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। शिव वैरागी बनकर तपस्या में लीन हुए। ब्राह्मण वेदव्रत तथा बालक श्रीकर की भक्ति से प्रेरित भगवान शिव ने दूषण राक्षस का संहार करके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। नर नारायण ने अनुपम शिव भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान शिव की आराधना की और फलस्वरूप हिमालय पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। राजा मांधाता ने विंध्याचल पर शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात माता शक्ति ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिवाराधना की, कठोर तपस्या की तथा भगवान शिव ने अनेक परीक्षाओं के पश्चात देवी पार्वती का वरण किया। इसी बीच असुर कुल में महाशक्तिशाली तारकासुर उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा द्वारा शिवपुत्र के हाथों मरण का वरदान प्राप्त था। अनेक प्रार्थनाओं एवं प्रतीक्षाओं के पश्चात शिवपुत्र कार्तिकेय विचित्र परिस्थितियों एवं परिवेश में उत्पन्न हुए। 6 कृत्तिकाओं तथा देवी गंगा द्वारा उनका लालन पालन हुआ। समय आने पर शिवपुत्र कार्तिकेय के हाथों दुष्ट तारकासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात माता पार्वती की पुत्र कामना गणेश के रूप में फलीभूत हुई। शिव के त्रिशूल से गणेश का शिरच्छेद हुआ। तदुपरांत शिवेच्छा ही से वे गजानन गणेश बने। कार्तिकेय सदा के लिए दक्षिण के श्री शैल पर्वत पर चले गए। उन्हें पुनः कैलाश लाने के लिए शिव पार्वती को भील भीलनी अर्जुन एवं मल्लिका का रूप धारण करना पड़ा और इसी प्रसंग में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगीरथ की आराधना सफल करके शिव ने गंगा को शीश पर धारण किया तथा गंगाधर बने। गंगा के द्वारा सहस्रों सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। ऋषि गौतम तथा देवी अहिल्या की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। गंगा दक्षिण की गंगा गोदावरी बनी। अपने प्रिय भक्त सुप्रिय का उद्धार करने हेतु दारुक राक्षस का वध करके भगवान शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अभिमानी रावण का गर्भ हरण करके शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर आरोग्य प्रदायक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। शिव ने विष्णु अवतार श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद प्रदान करने हेतु दक्षिणी समुद्र तट पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किया। कुंभकर्ण कर्कटी पुत्र भीमासुर से अपने भक्त सुदक्षिण की रक्षा करके शिव ने अपनी क्रोधाग्नि से उसे भस्मीभूत किया और इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और फिर अपनी आराधिका घुष्मा के दुख का अंत करके शिव ने उसके मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया और घुष्मा की प्रार्थना पर घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ। शिव महापुराण की महानता एवं महिमा का संपूर्ण वर्णन एवं प्रदर्शन असंभव है। हमने तो अपनी शिव भक्ति को ही इस धारावाहिक के माध्यम से शिव चरणों में समर्पित किया है। शिव महापुराण के इस अंतिम दृश्य में भगवान विष्णु के अंशावतार बाल ऋषि सनत कुमार शिव महापुराण का दार्शनिक महात्म्य उन 6 अध्येता ऋषियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं जो शिव दर्शन